बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से सिर्फ एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अब जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था उसने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बीते साल अगस्त महीने में हनी ट्रैप मामले में डॉक्टर पवन चिल्लोरिया ने 11 पन्नों का आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए हड़पने की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से मुख्य आरोपी जोया को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। अब इस मामले में मुख्य आरोपी जोया ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। जोया ने कहा कि यदि मुझे मुजरिम बताया है तो इंसाफ पूरा होना चाहिए। इस मामले में दोषी बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जोया ने कहा कि मैं तो इस केस में छोटा सा मोहरा हूँ, बड़ी मछलियाँ तो खुले में घूम रही हैं, उनको भी प्रशासन जल्द गिरफ्तार करे। मैंने ये महेंद्र गलोदिया, संतोष दबाड़े, मुकेश चौहान इन लोगों के खिलाफ दिए थे, अविरत इनके जो मालिक थे उनके खिलाफ दिए थे, और उनका मैनेजर है होटल का श्रीकांत, और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं अभी तक। मेरे साथ और भी मुजरिम थे, आप लोगों को भी जानकारी है इस चीज़ की कि सिर्फ मैं ही मुजरिम नहीं थी इस केस में, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मेरे अलावा किसी की नहीं हुई। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।